इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या है? ऐसी सलाहियत जिसके ज़रिए से आप बग़ैर किसी लॉजिक या बग़ैर किसी सबूत के कोई एक बात जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, इसको इंट्यूशन कहा जाता है। ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, ये आप इस्तेमाल करते हैं। स्टीव जॉब्स इसके बारे में कहते हैं कि आपके अंदर इसका करेज होना चाहिए कि आप अपने इंट्यूशन को और अपने हार्ट को फॉलो करें, क्योंकि ये दो चीज़ें आपको आपके मकसद तक लेके जाएंगी। जी हाँ, आज मैं इंट्यूशन पर बात करूँगा और आपको सिखाऊँगा कि ये है क्या चीज़ और आप किस तरह इसने अपने इंट्यूशन को बेहतर कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया में इतने भी कामयाब लोग हैं, आप देखते हैं, स्टीव जॉब हो गए, मैस्टन केप हो गए, माइकल एक्शन स्मिथ हो गए, जॉन पॉल डी जोरिया, और इसके अलावा पतन बेतहाशा लोग हैं जिनके नाम लूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन उनके बारे में अगर आप पढ़ें तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि उन्होंने वो काम किए हैं जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं थे। अगर इंसान अपने अगर लॉजिक के लिहाज से देखे तो वो काम पॉसिबल नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो काम करके दिखाए। यही वजह है कि आज उनका इतना बड़ा नाम है। ये इस वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, इसको कहते हैं इंट्यूशन। उनको पता होता है ये जो मैं काम कर रहा हूँ, उनको अंदर से लॉजिक के बगैर और किसी बगैर सबूत के उनको बारे पता होती है ये हो जाएगी और ये बहुत अच्छी तरीके से होगी और उसका रिज़ल्ट क्या निकलने वाला है, उनको अंदाज़ा होता है इस बात का जब भी वो ये काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, जब भी आपके जहन में कोई सवाल उठता है तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में एक जवाब उसका नज़र आता है, जो फिर आप अपने कॉन्शियस माइंड के ज़रिए से उस जवाब को सोचने लगते हैं। जो जवाब होता है, दरअसल इसी को ही कहा जाता है इंट्यूशन। ग्लिम्प्स की सूरत में, फ्लैश ऑफ नॉलेज की सूरत में ये जवाब आता है। ये हम अक्सर महसूस करते हैं अपनी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन हम इसको कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए ताकि बेहतर हो सके, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। साइंस ने यकीनन इसके बारे में ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन ये चीज़ मौजूद होती है। आप अपने लाइफ में देख सकते हैं कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपको महसूस हुआ हो कि कोई चीज़ मौजूद है, कोई आ रहा है फला शख्स और वही मौजूद हो वहाँ पर। बहुत ऐसा होता है, कभी ऐसा लगता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें कुछ गड़बड़ है, ख़राब हो जाएगा, और ये होता है रिज़ल्ट उसका खराब निकलता है या उस तरीके से नहीं है जितना आप समझ रहे होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब रिज़ल्ट आने वाला होता है तो हमें अंदाज़ा रहता है कि यार हमारी ये रिज़ल्ट आएगा, और ऐसा ही होता है कि वही रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये अब क्या है? ये इंट्यूशन है। बहुत से लोग इसको ना जानते हुए सप्रेस कर देते हैं, इग्नोर करते हुए सप्रेस कर देते हैं, ये वजह है कि वो ज़्यादा उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते। लेकिन हमने इसको प्रैक्टिस करना है, आपने इस वीडियो को सुनना है गौर से, इसको प्रैक्टिस करके इसको स्ट्रांग बनाना है और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों, इंट्यूशन के बारे में तो आप जान गए और ये भी जान गए कि ये ज़रूरी है। अब मैं इसके तरीके से ले चलता हूँ किस तरीके से आप अपने इंट्यूशन को बेहतर कर सकते हैं। आप अपने इंट्यूशन को प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से सवालात कीजिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कि अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है तो आप अपने सवाल कीजिए किस वक्त तक आ जाएगा, आपके जहन में जो भी सवाल आ जवाब आए तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे सवालात कीजिए जिनका रिज़ल्ट आपको फ़ौरन मिल सके ताकि आप अपने इंट्यूशन के आंसर को चेक कर सकें, कन्फर्मेशन। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसकी आदी हो जाएंगे, ये आप अंदाज़ा आपका अच्छा हो जाएगा कि ये काम अच्छा हो रहा है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी जर्नी में। आप इस तरीके सिंपल क्वेश्चन तो और भी कर सकते हैं कि लेट से कोई आपका पार्सल आ रहा था तो वो कब तक आ जाएगा, पार्सल किस कलर का होगा, या जो शख्स जो आपसे मिलने आ रहा था वो किस कलर के कपड़े पहना होगा, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसके फ्यूचर के बारे में सोचें कि ये काम किस तरीके का होगा, रिज़ल्ट क्या होगा इसका। आपके पास कॉल आ रही है, आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो रिंग कर रहा है, लेकिन आपके पास मोबाइल आपके सामने नज़र नहीं आ रहा, आप कैस कीजिए कि कौन हो सकता है जो मुझे कॉल कर रहा होगा। तो जो आपका पहला सवाल जवाब आएगा तो फिर उसको कन्फर्म कीजिए कि वो पहला जवाब सही है या गलत है। इसको इंट्यूशन कहा जाता है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आप इसको बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर बनाएंगे तो आप अपनी लाइफ में इसको इस्तेमाल कर सकेंगे और अपनी लाइफ को पहले से बेहतर बना सकेंगे, अपने कामों को पहले से बेहतर बना सकेंगे। इस तरीके की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।